भाई आराम से थोड़ा, ये बहुत पुराना है, टूट सकता है। अरे यार हम खतरों के खिलाड़ी हैं, मैं ज्यादा नहीं आऊंगा, बस हल्का सा आपको। अरे भाई 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 भाई, हर से ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की। ले भाई रख दे इसको इधर ही, चले आगे बैठेगा पीछे बैठा बैठेगा। चले चलो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय, बजरंगबली जय, बजरंगबली जय हो, गोलजू जय हो, नाजू इष्टदेव तो भगवान जी। छोटों को सलाम और बड़ों को प्रणाम से मैं शुरुआत करता हूं अपने इस व्लॉग की। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत बेहतरीन जगह पे लेके जाने वाला हूँ। मतलब ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बट जितना मैंने इस जगह के बारे में जानकारी ली है तो मेरे को काफी अच्छा लगा है। ठीक है, तो हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह का नाम है महेश खान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो हमें 4 किलोमीटर जंगल से होते हुए जाना है और उसके बाद हमें है रेस्ट हाउस देखने को मिलेंगे और देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। बाय द वे मेरे साथ आज गौरव शर्मा और हिमांशु भाई, जो आपको एक व्लॉग में देखने को मिले होंगे। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं भाई, फिर से भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई जो है गाड़ी लेके आया है, क्योंकि हम जिस जंगल से जा रहे हैं वो जंगल इतना घना है कि हमें जानवर वगैरह भी दिख सकते हैं। क्यों भाई? हेलो गाइस, आज हम महेश खान जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होता है आज। तो गार्ड अंकल से हमने परमिशन ले ली है, तो अभी गार्ड अंकल में मुझे रोज आ रही है ये नहीं है गार्ड अंकल, गार्ड अंकल पीछे है, तो उन सब ने परमिशन ले ली है। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का जो है नजारा दिखाते हैं। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो आप एंड तक बने रहना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं महेश खान रेस्ट हाउस पे, अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और थोड़ा आपको अंदर का जो रेस्ट हाउस कैसे है क्या है ये सारी चीजें दिखाएंगे। और चारों तरफ जो है जंगल है, चारों तरफ सिर्फ जंगल है और बीच में ये रेस्ट हाउस बने हुए हैं। कुछ एरिया जो है वो बोली गई है कि इसके पार मत जाना, प्रतिबंधित एरिया है। तो थोड़ा बहुत जाएंगे जंगल के, देखते हैं कैसा व्यू है। ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो जगह है ना, ये लगभग 100 साल पुरानी जगह है, मतलब ये जो पूरी एरिया है 100 साल पुरानी है और ये सारी एरिया गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो थोड़ा सा आगे आइए, अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ अगर आपको यहाँ आना है, आपको सबसे पहले रेंजर ऑफिसर जो होता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर नैनीताल DFO ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा रेस्ट हाउस दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। ये जगह आपको नैनीताल से 21 किलोमीटर और भवाली से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए ये बैम्बू के बने हुए हट कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब ऐसी जगह पे आपको रहने का मौका मिले तो आप आओगे या नहीं आओगे। और आप सामने से व्यू देखिए, यहाँ से पूरे जंगल का जो व्यू है ना, क्या बेहतरीन लग रहा है, मतलब यार मजा आ रहा है देखने में। और बोल सकते हैं ना किसी 5 स्टार में भी आपको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप इतने पैसे खर्च करते हैं ना तो आपको वहाँ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जिनको पीस चाहिए और जिनको ऐसे शांति में रहना है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे आने के लिए। आपका नाम क्या हो? गोपाल। तो गोपाल भैया आप कुछ बताइए कि यहाँ पे जब जब लोग आएंगे तो क्या चीज ध्यान में रखना पड़ेगा? तेंदुआ और उसकी मतलब तेंदुआ आ सकता है जी। और अच्छा, मतलब जो एरिया दी गई है उसी के अंडर घूमना है जी।
अच्छा वहाँ को अगर जाओगे जंगल को तो जी वहाँ पे खतरा है जी। और खाने वाने का क्या है व्यवस्था? खाने का कच्चा सामान लेके आते हैं। अच्छा मतलब घर से सामान लेके आना पड़ेगा? हाँ कच्चा सामान लेके आएंगे मार्केट से, यहाँ बन जाता है। अच्छा मार्केट से लेंगे और आप यहाँ बनाएंगे जी। ठीक है तो ये दो तीन छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, शायद आपके काम आएगी। अब हम आपको रूम दिखाते हैं अंदर का, ठीक है? तो ठीक है हाँ जी चलो। तो गाइस ये देखिए रूम, मतलब जब मैंने रूम ओपन किया ना, मतलब मैंने तो नहीं किया, भैया ने जब रूम ओपन किया, जब मैंने देखा ना मेरा दिल खुश हो गया। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे चीजें यूज की गई हैं, सारी बैम्बू की बनी हुई है, अलमारी से लेके ये जो यहाँ पे ड्रॉल वगैरह, यहाँ पे जो कुर्सियां लगी है और साथ में बेड, सारे वुडन के हैं। मतलब ऐसे जंगल के बीच में हमें अगर ऐसी जगह मिल जाए रहने के लिए तो बहुत दिल खुश हो जाता है। अब मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि बाथरूम बहुत जरूरी होता है यार। तो देखिए तो इस तरीके का यहाँ पे बाथरूम है और जो डोर है वो भी वुडन की है। सो गाइस सीरियसली बहुत ऑसम एरिया है। कुछ बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दर्शकों को? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर टोटल 6 रूम्स अवेलेबल हैं और आपको वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी 24 आवर है। ऐसे घने जंगल में आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, मतलब ऐसे प्यारे सी एरिया में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। तो गाइज अंदर की एरिया घूमने के बाद, रेस्ट हाउस देखने के बाद हम थोड़ा सा जंगल की तरफ जा रहे हैं, पर ये एरिया थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो आप देख, ज्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र, ज्यादा हम आगे जाएंगे नहीं क्योंकि कुछ जानवर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड वगैरह और काफी अलग जानवर, बहुत सारे वगैरह, भालू वगैरह, कुछ कोई भी जानवर मिल सकता है, इसलिए गार्ड हमारे साथ कोई है नहीं, ठीक है? हम खुद ही अपने गार्ड है। तो हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखाते हैं जंगल का, फिर वापस आएंगे। चलिए महेश खान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का कनेक्शन ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इस्तेमाल की जाती है, देख के डर लग रहा है, थोड़ा सा दूर चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक जगह पे आए जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये मचान बना हुआ है, तो इसको मचान को लाइट हाउस की तरह यूज भी कर सकते हैं क्योंकि कभी जानवर वगैरह आते हैं तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जो गार्ड होता है वो इसके ऊपर चढ़ के पूरे एरिया की जो है निगरानी रखता है, ओवर करता है। आराम से थोड़ा, ये बहुत पुराना है, टूट सकता है। अरे यार हम खतरों के खिलाड़ी हैं, मैं ज्यादा नहीं आऊंगा, बस हल्का सा आपको। अरे भाई 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 हर से ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की, तो मुझे लगता है कि इसे आज यहीं पे छोड़ देना चाहिए कि थोड़ा जंगली जानवरों के साथ रात बितानी चाहिए इसे। बस इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सेफ्टी है यार, अपनी सेफ्टी पहले रखनी है। सो गाइस एरिया हम पूरी घूम चुके हैं जहाँ पे रेस्ट हाउस है, और हम जंगल की तरफ भी गए, ज़्यादा नहीं गए क्योंकि एरिया थोड़ी डेंजरस है, अंधेरा होने वाला है, तो हम अकेले घूमना हमारे लिए सेफ नहीं है। नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ आवाज़ें भी आ रही है कभी जंगल से कि कुछ चीज़ आ रहा है, ऐसा हमें फील हो रहा है कि कुछ आवाज़ आ रही, तो ऐसा लग रहा है कहीं कोई जानवर तो नहीं है, तो सेफ्टी पहले है। और एक और बात आपको बताता हूँ, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, तो यहाँ से एक एरिया जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड, एक साइन वहाँ पे बना हुआ है, तो ऊपर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है। मैंने इस पे एक व्लॉग भी बना रखा है जो कि अब खंडर बन चुका है, तो अगर जिसको वो व्लॉग देखना है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप व्लॉग भी देख सकते हैं। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का
घर भी पड़ता है। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो वहाँ फॉलो करिए और आप मुझे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो खत्म करें फिर, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। भाइयों को थैंक यू कि ये मेरे साथ व्लॉग में आए, और मैं आपको ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे घुमाते रहूंगा जो कि आपने ना कभी सुनी हो ना देखी हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं, और देवभूमि उत्तराखंड का जितने भी हमारे प्राकृतिक चीजें हैं और जितने भी अच्छा नेचर है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप तक शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, तो और सब्सक्राइब जरूर करना, तो जरूर कर देना, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।